नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में बेटियों को मिलने वाली मुफ्त शिक्षा के बारे में। बिहार में नीतीश सरकार छात्राओं को लेकर आगे बढ़ने को लेकर खासकर कई तरह की योजनाओं पर काम कर रही है, जिससे कि वह मुख्य धारा में आकर जुड़ सके। बता दें कि नीतीश सरकार पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग की लड़कियों को आवासीय सुविधा के तहत ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था करने जा रही है, वह भी निःशुल्क। बता दें कि इस योजना में बिहार सरकार मेडिकल और इंजीनियरिंग की कोचिंग कराने की व्यवस्था कर रही है। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद से पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों में स्थित अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ऑनलाइन पढ़ाई करने की बात कही है। छात्राओं की पढ़ाई को लेकर उन्होंने कहा है कि एक शैक्षणिक सत्र में 35,000 से ज़्यादा लड़कियों के ऑनलाइन पढ़ाई का लाभ मिलेगा। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि लड़कियों को विषय के अनुसार हार्ड कॉपी उपलब्ध कराई जाएगी। आपको बता दें कि कन्या आवासीय विद्यालय में इसको लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है। इसके तहत अगस्त महीने में पढ़ाई शुरू होने वाली है। आपको बता दें कि प्रदेश में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग की ओर से छात्राओं को पढ़ाने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश में कन्या आवासीय विद्यालय जो कि कक्षा 6 से 12 तक की छात्राओं को निःशुल्क में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराएगी। बता दें कि इस दौरान छात्राओं को जेईई और नीट आदि के साथ साथ प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले नामचीन कोचिंग संस्थानों से स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी से दिया जाएगा, यानी कि ये वो चीज़ें हैं जो कि वहाँ पे मुहैया कराई जाएगी, जिसमें कि छात्राओं को स्टडी मटेरियल में जो है हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों दी जाएगी। एक तरह से ये भी कहा गया है कि जितने भी प्रदेश की नामचीन कोचिंग संस्थानें हैं, जहाँ पर पढ़ने के लिए आपको हज़ारों रुपए देने पड़ते हैं, वहाँ का स्टडी मटेरियल जो है इन छात्राओं को पढ़ने के लिए दिया जाएगा। इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि सप्ताह में एक दिन विशेषज्ञों द्वारा स्पेशल क्लास लिया जाएगा, जिससे कि छात्राओं की होने वाली समस्याओं को दूर किया जा सके, क्योंकि स्टडी मटेरियल पढ़ाई के दौरान जो है कई बार ऐसी होती है कि उसमें उन्हें जो है पूरी चीज़ें समझ में नहीं आती है। इस दौरान जो है ये भी कहा गया है कि सप्ताह में एक दिन जो है उन्हें टीचरों से भी मुखातिब करवाया जाएगा। छात्राओं की सुविधा मुहैया कराने को लेकर यह भी कहा गया है कि विभाग ने कई कोचिंग संस्थानों से एकाकनामा, यानी कि उन दोनों के बीच में जो है अंडरस्टैंडिंग हुआ है। साथ ही साथ छात्राओं को सुविधा के लिए आवासीय विद्यालयों में टीवी स्क्रीन, इंटरनेट के साथ साथ डिजिटल ब्लैक बोर्ड की भी व्यवस्था कराई गई है। इन सब के बाद इन आवासीय विद्यालयों में पढ़ाई हो रही है या फिर नहीं, इसको लेकर भी मॉनिटरिंग की व्यवस्था विभाग की तरफ से की गई, जो कि मुख्यालय स्तर पर होगी। बताया दें कि मुख्यालय के लोग आवासीय विद्यालयों में छात्रों और शिक्षकों पर वहीं से नज़र बनाकर रखेंगे। छात्राओं को मिलने वाली सुविधाओं को लेकर बोलते हुए पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार ने बताया कि अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं के अतिरिक्त अति पिछड़ा वर्ग छात्रावास में रहकर पढ़ाई करने वाले छात्राओं को मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के साथ साथ प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ ये भी बताया है कि मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावी योजना का बजट में 10 गुना बढ़ा दिया गया है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र छात्राओं को इस योजना का लाभ मिल सके। बता दें कि साल 2008-2009 में इस योजना के तहत 10,67 करोड़ रुपया दिया जाता था, जिसे बढ़ाकर अब 105 करोड़ कर दिया गया है। बता दें कि बिहार सरकार छात्राओं को स्कूल स्तर पर साइकिल योजना के साथ साथ उच्च शिक्षा को लेकर स्कॉलरशिप देती रही है, जिससे कि छात्राएं आगे बढ़ सके। साथ ही साथ बिहार सरकार प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाली छात्राओं को भी स्कॉलरशिप देती है, जिससे कि वो अपना विकास कर सकें और समाज की मुख्य धारा के साथ जुड़ सकें और एक तरह से कह लें कि पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर अपने समाज में चल सके। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।